नमस्ते सभी को। नमस्ते गणेश सर। नमस्ते 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 सर। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। पिछले दो दिनों से हम गणेश सर के साथ चर्चा कर रहे हैं, आज हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। सभी को नमस्कार। गणेश सर जी को बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम। सर हमारा क्वेश्चन है जी, आवाज आ रही सर? जी आ रही है, आ रही है। ये क्वेश्चन है कि जैसे ये यूएचबी के द्वारा रिलेशंस ऑफ हार्मोनी और कोएग्जिस्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट थॉट, हम समझ रहे हैं और जीवन में लागू भी कर रहे हैं, लेकिन सर कभी कभी ये अनटॉवर्ड इंसिडेंट्स आती हैं, यानी एबनॉर्मल कंडीशन बनती हैं, तो ये सारी फीलिंग डिसअपियर हो जाती है, हमारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हमारी हारमोनी रिलेशन सब बिगड़ जाता है और ये बाद में ध्यान आता है कि हम तो गलत हो गए। तो उस स्थिति से को निपटने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? जी देखिए, हो ये रहा है कि जिन परिस्थितियों से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं जी, उन परिस्थितियों से जो आपके संस्कार जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है जी। तो जब वो ऐसी परिस्थिति आती है और वो उससे जुड़े हुए संस्कार एक्टिव हो जाते हैं, तो उस संस्कार में जो नेगेटिविटी है वो आपके डिसीजन में आ जाती है जी। उससे आपका भाव विचार बिगड़ जाता है, उससे आपका व्यवहार बिगड़ जाता है ना जी। तो हो तो रहा है ऐसा, अब इस पर क्या करें? हाँ जी, दो करने का काम है। एक काम तो यह है कि अभी क्या है कि जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम बाहर ही पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारा अपने पर ध्यान नहीं रहता है। अपने पर ध्यान नहीं रहता है तो हम अपने संस्कार को देख नहीं पाते, उसके तहत जो डिसीजन हो रहा है उसको देख नहीं पाते, है ना जी। और हमारे संस्कार के तहत जो रिएक्शन हो रहा है उसी में हम बह जाते हैं। तो अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि जब भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पहले अपने पर ध्यान देना है, फिर दूसरे पर ध्यान देना है। पहले ये देखना है कि हम होश में है कि नहीं है जी। अगर इसको करेंगे तो जब हम अपने पर ध्यान दे रहे हैं और बाहर से कुछ आ रहा है और उससे हमारा कोई एक संस्कार एक्टिव हो रहा है, हम उसको देख पाएंगे कि हमारा ये संस्कार है इसके संदर्भ में और ये एक्टिव हो रहा है, इसके तहत मैं डिसीजन ले रहा हूँ अपने भाव विचार का, है ना, और ये एक रिएक्शन की तरह है, एक नेगेटिव भाव के तहत हम अभी जो है काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा विचार बिगड़ रहा है, इसलिए हमारा आशा बिगड़ रही है और इसलिए अब हमारा व्यवहार भी बिगड़ेगा। इतने को उस समय हम देख सकें और हम उसका मूल्यांकन कर सकें कि ये संस्कार ठीक नहीं है, इसके तहत जो भाव का निर्णय लिया गया वो ठीक नहीं है, उसके तहत जो विचार हो रहा है वो ठीक नहीं है। इतना अगर हम कर लेंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो ये बाहर व्यवहार के रूप में आएगा नहीं, दूसरा हमने अपने संस्कार को देख लिया, उसका मूल्यांकन कर लिया, भाव को देख लिया, उसका मूल्यांकन कर लिया, इतना करने से ही वो ठीक होने लगेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी हमारे लिए अपने संस्कार को देखने के लिए, उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए। जी सर, ठीक है ना सर। इसमें सर एक बात ये भी रहती है कि जैसे किसी को हम कोई अच्छी बात समझाने जा रहे हैं, वो कोई गलती पर है और हम समझाने जा रहे हैं, तो हम इतने लाउड हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो समझाना तो दूर, कुछ और ही गड़बड़ होने लगती है। जी जी, वही कह रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, आप दूसरे को समझाने में खुद ही बेहोश हो गए। हाँ ठीक है ना, और बेहोश हो गए तो आपका जो संस्कार है वो अपना काम करना शुरू कर दिया, उसके तहत आपका भाव बिगड़ गया, आपका विचार बिगड़ गया, आवाज ऊंची हो गई। तो एक काम तो यह है जो करना है अपने को, है ना। दूसरा काम यह है कि जब वो व्यवहार नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारा अपने पर ध्यान है कि नहीं, ये जो अपने पर काम करना है उसको हर क्षण करते रहना जरूरी है।
तो उससे क्या होगा कि हमारा जो संस्कार है वो हमको दिखता रहेगा, प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, ठीक है ना। तो अपना सफाई का काम चलता रहेगा, और जब वो चल रहा है उस समय कोई भी इंसिडेंस आएगा तो हम वहां भी होश में रह पाएंगे। और ये जो मैंने बात कही कि वो काम भी हम कर पाएंगे कि जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तब भी हम अपने प्रति होश में हैं, अपने संस्कार को देख रहे हैं, अपने भाव विचार को देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उससे उसका परिमार्जन हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों काम है, एक तो उस समय ये करना है कि अपन होश पूर्वक उसको देखें, मूल्यांकन करें, परिमार्जन करें, दूसरा जब वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तब भी हम अपना काम तो हर क्षण जारी रखें। ये जो दूसरा काम आपने करते हैं इसलिए पहले वाले काम में अटक जाते हैं जी। ये होश में रहने का हर क्षण ये अभ्यास आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब कोई घटना आती है तो आपका होश काला काम नहीं करता है। तो स्थिति ये बननी है कि हर क्षण हम अपने प्रति होश में हैं, हर क्षण अपने में ध्यान दे रहे हैं, हर क्षण अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, हर क्षण अपना परिमार्जन हो रहा है। ऐसा करते हुए जब हम बाहर से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको और जोड़ लेते हैं, अपना जो अपने पर काम है वो तो चलता ही रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। जी जी बहुत बढ़िया सर जी, जी। मैं सोलन सक्सेना ग्वालियर से हूँ सर। हाँ जी हाँ जी, वो आपका लिखा हुआ है जो इसमें लिखा हुआ रहता है नाम में उसको मैं फिर नहीं पूछता हूँ। अच्छा अच्छा ओके जी, धन्यवाद भैया। नमस्ते गणेश भैया। नमस्ते ऑल द को-एक्सप्लोरर्स। भैया मेरे दो क्वेश्चंस थे, एक है कि जैसे हमारा संस्कार होता है प्रीवियस संस्कार जो कहते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन होता है? जैसे सेल्फ पहले सेल्फ कंटिन्यूअस है कहते हैं, तो सेल्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, तो वो प्रीवियस संस्कार का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है? भैया आप समझ, मैंने बताया, हाँ मैंने बताया था अभी इसको, जब गीता जी का प्रश्न था तब भी एक बार फिर रिपीट किया था कि हमारा जो संस्कार के फॉर्मेशन का काम हो रहा है ना, वो तीन तरह से हो रहा है। एक तो जो अभी तक का संस्कार है वो, फिर जो वातावरण है वो, और फिर जो हम अपने में सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो, ठीक है ना जी। इन तीन चीजों से हमारा संस्कार अपडेट होता रहता है। इस शरीर यात्रा में देखेंगे तो भी ऐसा ही है, अगले शरीर यात्रा में देखेंगे तो भी ऐसा ही है, और जब हम एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में जाते हैं तो बेसिकली ये कि हम जिस चीज को इम्पोर्टेंट मानते हैं उतने को हम बनाए रखते हैं अपने में, क्योंकि वो यात्रा तो सेल्फ की कंटिन्यूअस है, वेदर एसोसिएटिंग विद दिस बॉडी और एसोसिएटिंग विद अनदर बॉडी। जी भैया प्रोसेस तो यही है जो भाई मैंने इंगित किया कि जो अभी संस्कार है प्लस जो वातावरण है प्लस जो हमारा एक्सप्लोरेशन है अपने पर जो हम काम कर रहे हैं, इन तीनों के योगफल में हमारा संस्कार अपडेट होता रहता है। ओके, एक और प्रश्न है भैया कि जैसे हम कई बार देखते हैं कई लोग बाय बर्थ ही हैंडीकैप्ड होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बॉडी मुझे लगता है कि हमको ये दोनों प्रोसेस को अलग अलग समझ लेना चाहिए जी। सेल्फ का जो प्रोसेस है संस्कार के संदर्भ में जो आपने पूछा जी, ये एक प्रोसेस है, बॉडी के संदर्भ में दूसरा है कि बॉडी का फॉर्मेशन एक फिजियोकेमिकल ढंग से होता है जी जी, जैसा प्राण अवस्था की इकाई में होता है वैसा होता है, ठीक है ना जी। तो जी। अगर माता पिता के है ना जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो बॉडी में आएगा, या बॉडी के फॉर्मेशन के प्रोसेस में कोई वातावरण खराब हो गया, अनुकूलता नहीं मिली तो वो डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये दो प्रोसेस अलग अलग है ना, और दोनों को अपने को ठीक से समझना चाहिए और उसमें जो ठीक कर सकते हैं उसको करना चाहिए। इसका भी संस्कार से कुछ रिलेशन है क्या? वही ये जो तीसरा एस्पेक्ट है ना कि हम ये दोनों को जब जोड़ने जाते हैं जी,
तो उसमें बहुत सारा गैस वर्क है। ओके ठीक है ना। और वो गैस वर्क इस तरह का है कि आप का जैसा संस्कार होता है वैसा वातावरण आप ढूंढते हैं, चाहे वो वातावरण शरीर का हो, चाहे दूसरे व्यक्ति का हो, माँ बाप का हो, परिवार का हो, है ना, वो वातावरण ढूंढते हैं। उसके लिए हम लोग एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं ना, तो हम लोग जब वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं उसमें ये बात बहुत क्लियरली दिखाई पड़ती है कि अगर उस वर्कशॉप में 50 लोग हैं और 8 दिन का वर्कशॉप है, तो दूसरे तीसरे दिन उस वर्कशॉप में 8-10 ग्रुप बन जाते हैं। जी भैया, ठीक है ना। जी, और ये जो लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, पहले दिन अपरिचित थे, वो अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं और उनके साथ वो ग्रुप बना लेते हैं। जी ठीक है ना। जी जी, ऐसा होता है कि नहीं? जी जी होता है। लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। या होता है। ये एक एग्जांपल है कि हम वातावरण खुद चुन लेते हैं फिर। जी जी, अपने संस्कार के आधार पर। जी ठीक है ना। जी, अगर बहुत गप लगाने वाला एक आदमी है तो ऐसे आदमी ढूंढ लेता है जो बहुत गप लगाने वाला है। जी, दूसरा आदमी जो गप लगाने वाला नहीं, उसके किसी काम का नहीं है। जी जी, ठीक है ना। जी भैया, ऐसा हम एनवायरनमेंट भी चुनते हैं। नहीं तो वो चुनना क्या हमारे मतलब सेल्फ के उस दायरे में होता है? अब जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कौन तय कर रहा है? सेल्फ ही तय कर रहा है। पर वो बॉडी का चूज भी सेल्फ कर सकता है क्या? वही कह रहा हूँ, बॉडी को भी चूज कर सकता है, माता पिता को भी चूज कर सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, बट क्या है, देखिए इसीलिए मैंने कहा उसको गेस वर्क मैंने इसलिए कह दिया। ये जो सेल्फ बहुत बेहोशी में है ना, उसके अपने संस्कार क्या है उसका उसको पता नहीं है, उसके तहत कल्पना कल्पनाशीलता क्या चल रही है उसका पता नहीं है, उसके तहत बाहर वो चॉइस क्या कर रहा है उसका पता नहीं है। अब ये सब कुछ खुला हुआ है, अब उस बेहोशी में क्या तय करें? जी जी, तो वो तय भी करता है तो उसको पता नहीं चलता है। अब ये जो लोग 8 लोग 10 लोग एक ग्रुप में हो गए, इनको थोड़ी पता है कि हमने चॉइस किया। जी भैया, हम लोग अभी एक ऑब्जर्वर के रूप में उसको देख रहे हैं तो तय कर पा रहे हैं कि भाई इन्होंने तय किया। जी जी, तो पहले दिन तो ये सब अपरिचित थे। जी, अब फिर आप उससे बात करेंगे तो कहेंगे नहीं 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 तो हमारे रूम के बगल में थे इसलिए हमारी दोस्ती हो गई, है ना, या एक जगह से आ रहे थे या आसपास से आ रहे थे, एक जिला से आ रहे थे, कुछ कुछ बहुत सारे कारण उसमें होंगे। तो अपने को फिर अगर उस गेस वर्क में ना जाकर ये तय करना हो कि फिर क्या करें, तो हम ये करें कि सेल्फ का संस्कार बनने के लिए जो ठीक तरीका है उसको सुनिश्चित करें, शरीर के बनने का जो तरीका है बॉडी का, है ना, उसके लिए उसको ठीक करें, है कि नहीं? जी जी भैया, देखिए बहुत सारे, जैसे जहां पर ये यूरेनियम का माइंस है ना, वहां पर उन बच्चों का ऐसा होना जिनका शरीर की स्थिति डिफॉर्मेशन की है, वो परसेंटेज बहुत हाई है। ठीक है ना, तो हम ऐसा एनवायरनमेंट क्यों बना ले रहे हैं? उसको ठीक कर लें तो शरीर का डिफॉर्मेशन का चांसेस कम होगा। अब कोई भी सेल्फ आकर उसको एसोसिएट करे ना करे, इसीलिए हमारे यहाँ जो 16 संस्कार बताते हैं, है ना, उसमें से बड़ा भाग 10 के आसपास तो जन्म के पहले ही होता है। ये जो संस्कार है ना, 16 संस्कार का नाम कभी सुने कि नहीं? जी भैया जी जी, उसमें से करीब 10 जो हैं वो जन्म होने तक हो जाते हैं। तो बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए, वो सब ध्यान रखने के लिए ये संस्कार बनाए गए। उसमें दोनों का ध्यान रख रहे हैं, सेल्फ का भी और शरीर का भी।
अब वो सब संयोग बन गया शरीर का और सेल्फ का, उसके बाद जो है बहुत आप नहीं कर सकते, कुछ कम ही कर सकते हैं, तो इसलिए वो कुछ छह संस्कार उसके बाद दस उसके पहले ही है। इंटरेस्टिंग है वो, हम लोग बहुत चीजों को जानते नहीं है, पता नहीं है, देखते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते हैं, उसका ठीक से स्टडी भी नहीं करते हैं, तो इतना सारा लोग जो मेहनत किए हुए हैं पास्ट में उसका कुछ मतलब नहीं निकलता हमारे लिए। जी जी भैया, हमारा तो एक्सप्लोरेशन अभी शुरू हुआ है ना भैया, इसलिए बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है ना, अच्छा ही है, डाउट आ रहे क्लियर हो जाए उस पर हम काम करने लगे, फिर हमको जो समझ में आया उसको दूसरों से भी शेयर करने लगे, धीरे धीरे वातावरण बन जाएगा और क्या। जी जी, आप कहाँ से हैं भैया? मैं अभी आंध्र प्रदेश में हूँ, राजमंड्री। अच्छा। बेसिकली मैं केरला को बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। जी, मेरा बर्थ प्लेस भोपाल है, मध्य प्रदेश है। जी भैया, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा चल रहा है सेशन, बहुत थैंक्स आपको कि आप अपना टाइम हमारे लिए स्पेंड कर रहे हैं और हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। और क्या करें, बहुत अच्छा काम है भैया, उपयोग है काम अपना। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भैया। जी धन्यवाद दीदी। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, मुझे ये बताना है कि जो पिछले दो तीन दिन में आपने सब बातें कही उससे काम तो हो रहा है, पर मैं काफी बार अटकती हूँ और इसकी वजह से मैं अपने आप में ही परेशान रहती हूँ बहुत बार। तो मैं जो बाहर काम करने वाली हूँ उसके स्पीड में बहुत फर्क पड़ जाता है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले भी पूछा था, मुझे वो ध्यान है, पर फिर भी अभी उसका जो स्वरूप है वो अलग सा मुझे दिखाई देता है। जी। तो मैं इतने हद तक अपने आप से नाराज हो जाती हूँ कि मैं फिर बहुत सारी एक्टिविटीज को गिव अप करती हूँ। और मुझे ऐसा भी ध्यान है, एक टाइम ऐसा था कि मैं ऐसा सोचने लग गई थी कि ये लाइफ टाइम में तो नहीं हो सकता है, मुझे तो अभी चेंज करना पड़ेगा। तो आपने वो बात आज कही कि वो हम गिव अप कर देंगे और एनवायरनमेंट को ही बदलने का प्रयास करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। इतनी सारी बातें जुड़ी पर फिर भी मैं अपने प्रति बहुत ऐसे फर्म बनकर नहीं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, हम लोगों ने धीरे धीरे जो है ना, ये हम लोग को एक्सपीरियंस में आया कि ये जो सेल्फ डेवलपमेंट का काम है उसको अकेले आप करने जाते हैं तो उसको एक जगह पर जाकर उसकी एक सीमा बनने लगती है। इसी तरह से टीम डेवलपमेंट के काम को करने जाते हैं बाकी दो को किए बिना तो उसकी सीमा बनने लगती है, और इसी तरह से सोसाइटल डेवलपमेंट का जो काम है उसको करने जाते हैं बाकी पहले दो को किए बिना तो फिर एक पॉइंट पे जाकर चीजें अटकने लगती हैं। इसलिए धीरे धीरे हम लोग को समझ में आया कि ये तीनों पर काम होना जरूरी है, सेल्फ डेवलपमेंट पर, टीम डेवलपमेंट पर और सोसाइटल डेवलपमेंट पर, और ये तीनों एक दूसरे के पूरक है ना। ये हो सकता है कि जब हम तीनों पर काम कर रहे हैं तो कभी किसी एक की ज्यादा अनुकूलता होगी तो उस पर ज्यादा काम होगा, कभी दूसरे की अनुकूलता होगी तो उस पर ज्यादा काम होगा, ऐसा कम बेसी होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसको एक प्रोसेस के रूप में ही लेना चाहिए, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जब हमको सेल्फ डेवलपमेंट के महत्व पर ध्यान चला जाता है और हम उस पर कुछ ज्यादा काम करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दो को हमने छोड़ दिया है, है ना। हम बाकी दो पर भी काम जारी रख सकते हैं, लेकिन अभी इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसी तरह से जब हमको ऐसा लगता है कि अपने में कुछ गति हुई है, हमको कुछ मिला है ना, और हमको दूसरों के साथ बांटना है ना, कम से कम उन लोगों के साथ जिनके साथ हम अभी तक काम कर रहे हैं, तो हमारा टीम डेवलपमेंट का काम बढ़ जाएगा। और जब ये टीम को लगता है कि भाई अब तो इसको समाज में लेकर जाया जा सकता है, तो सोसाइटल डेवलपमेंट का काम बढ़ जाएगा। टीम डेवलपमेंट पर काम करते हुए हमको लगता है कि कहीं जाकर हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है लोगों के साथ, या हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, तो लौटकर सेल्फ डेवलपमेंट पर फिर ज्यादा ध्यान देना बनता है। तो ये प्रोसेस पूरा जो है, मुझे लगता है कि बहुत एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, और इसलिए धीरे धीरे हम लोगों ने ये तीनों प्रोसेस को ना एक तरह से कनेक्ट करके एक वातावरण बनाने की कोशिश की है कि तीनों पर काम होता रहे, और इतना एक लेवल का मार्जिन भी हम लोग अभी रखकर ही प्लान करते हैं कि किसी का सेल्फ डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान जाएगा तो उसका जो टीम और सोसाइटल डेवलपमेंट का काम है उसमें कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तो फिर एक बड़ी टीम बनाई जाए जिसमें ये मार्जिन हम रखें। बट ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसमें ये तीनों को करने की बात हम लोगों को मतलब पकड़ में आई है, और उसको हम लोग एक बेसिक एनवायरनमेंट की तरह बना रहे हैं। इसीलिए हम लोग बहुत आग्रह करते हैं कि जो लोग टीम डेवलपमेंट और सोसाइटी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं वो सुबह का सेशन जरूर अटेंड करें, ताकि सेल्फ डेवलपमेंट का काम उनका विधिवत होने लगे। जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जो सुबह का सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि वो टीम डेवलपमेंट और सोसाइटी डेवलपमेंट के काम में अपना वॉलंटियरिंग का नाम दें। तो इसलिए बार बार आपसे पूछा जाता रहता है, और मुझे लगता है कि वो बहुत उपयोगी है। जो भी लोग सेल्फ डेवलपमेंट के इस पर काम कर रहे हैं, वो अगर अपने को टीम डेवलपमेंट के और सोसाइटल डेवलपमेंट के काम से जोड़ेंगे तो उनकी गति में बहुत सहायता मिलेगी। अभी क्या होता है कि हमारे जो मैं अपने पर ही काम कर रहा हूँ, तो हमारे जो इमीडिएट प्रश्न होते हैं उन्हीं पर हम काम करते हैं, उससे आगे का हमको बहुत ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन जब आप सोसाइटल डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे वो प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो अभी इमीडिएटली तो आपके व्यक्तिगत लाइफ से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या जिनके लिए आप सोच रहे हैं उन सबसे जुड़े हुए हैं। तो फिर आप और ज्यादा बड़े परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा बड़े स्केल पर चीजों को देख पाते हैं ना, और वो सारे प्रश्न आपके प्रश्न बन जाते हैं, और उनके संदर्भ में आपको ध्यान देना, उसको देखना समझना है ना, वो ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो उससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट का काम भी ज्यादा अच्छे से होता है। तो मैं कहूँगा कि ये तीनों प्रोसेस को अपने को साथ साथ काम शुरू कर देना चाहिए, और एक बहुत डायनामिक होगा ये, कभी एक पर कभी दूसरे पर कभी तीसरे पर हमारा फोकस बढ़ेगा ना, किसी एक पर दूसरे पर कम भी हो सकता है। बट उससे हमको परेशान होने के बदले हमको उसको एक प्रोसेस के रूप में लेना है ना, और इन सबसे अल्टीमेटली ये निकलना है कि भाई हमारा सेल्फ डेवलपमेंट आगे हो रहा है और हम दूसरों के लिए भी कुछ सार्थक कर पा रहे हैं। तो वो काम आप कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा उतार चढ़ाव से आप गुजरती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपके साथ है कि आपने अपने को इसमें ठीक से निर्णय पूर्वक बनाए रखा है, और इसलिए आपका जो डेवलपमेंट है ये तीनों फ्रंट पर, वो मैं कहूँगा कि काफी सिग्निफिकेंट है। आगे और काम होने की जरूरत है, वो तो ठीक ही बात है, लेकिन जिस प्रोसेस से आप गुजर रही हैं वो ठीक है। मतलब जितना आपके अंदर बदलाव हुआ है सेल्फ के लेवल पर, जितना आप टीम के साथ काम कर पा रही हैं, जितना सोसाइटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं, वो तो बहुत सिग्निफिकेंट है।
और ये तीनों को करना ठीक बनता है। और ये जो थोड़ा कम बेसी होता है उसको मार्जिन में हम लोग रख के ही चल रहे हैं, हम लोग का मतलब आप सब लोग भी उसमें शामिल हैं कि आप लोग एक दूसरे को तो इस मामले में सहयोग कर ही रहे हैं कि जिसके जहां पर ज्यादा जरूरत बन जाती है इन तीनों में से वहां वो ध्यान देने लगता है, उसके कारण बाकी जगह जो कम बेसी होता है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं मिलकर, है कि नहीं? जी सर, वो तो बहुत बार होता है कि टीम बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं जी। थैंक यू सर। सर और एक बात है कि मुझे इतने दिन में ये ध्यान आया कि मेरा ज्यादातर फोकस एक्सप्रेशन वाले पार्ट में है जी। फिर जब भी मैं UHV से जुड़ी फिर आगे जैसे बढ़ना है तो मैंने एक्सप्रेशन पार्ट पर थोड़ा ज्यादा ही फोकस ऐसे कर लिया कि मैंने अपने आप को रोका काफी बार कि ये करना ठीक नहीं, ये करना ठीक नहीं, ऐसे काफी सारे जगह पर हुआ, घर पर भी और कॉलेज में भी। लेकिन उस वक्त साइमल्टेनियसली अपने अंदर रिजॉल्व करने की जो स्पीड है वो कम हो गई तो अंदर से बहुत ऐसा बर्स्ट जैसा लगता है जी। तो मुझे ना ये लगता है कि मुझे एकदम सहज बनना है कि जिस समय इतना अच्छे से हंस सकूं उस समय वो भी करूं, जिस समय अगर थोड़ा बड़े आवाज में बात करने की जरूरत है वहां वो करूं, लेकिन मैं अंदर से एकदम ठीक रहूं। तो वो मेरी गड़बड़ हो रही है पर मैं उसको ऐसे पकड़ नहीं पा रही हूँ जी। देखिए इसमें मुख्य बात यह है कि अभी तक जो हमारा संस्कार है ना कि बाहर जो हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ठीक से देखना और मूल्यांकन करने की जरूरत है। धीरे धीरे ये दिख जाए हमको कि अंदर जो हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहर की तुलना में, है ना, तो अंदर काम शुरू हो जाएगा, वो काम बढ़ने लगेगा। अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो भी ये देखना जरूरी है कि जो कल्पनाशीलता की जगह पर हो रहा है वो तो जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है जो इस कल्पनाशीलता को तय कर रहा है। तो फिर कल्पनाशीलता पे काम होगा, उसके पीछे का जो संस्कार है उस पर काम होगा। और जब संस्कार पर काम कर रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि संस्कार महत्वपूर्ण है लेकिन उसके पीछे का जो समझ है ना, या समझ का अभाव है वो महत्वपूर्ण है। तो फिर समझ पर ध्यान जाएगा, समझ पर काम होगा, है ना, और उस पर काम होगा तो फिर ये जो तीन बातें हम लोग कर रहे हैं ना, अभ्यास एक के स्टेप 6 और 7 में कह रहे हैं कि संबंध व्यवस्था सअस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, ये हमको दिख जाए और सअस्तित्व व्यवस्था और संबंध को समझने का काम हमारे में हो जाए, ये महत्वपूर्ण है, ये हमको दिख जाए तो हम इस पर काम शुरू करेंगे। जितना जितना काम होगा उतना उतना हमारी समझ बनेगी, उतना उतना हमारा संस्कार सही होता जाएगा, सहज होता जाएगा, उतना उतना हमारा भाव विचार सहज हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। तो वो सहजता और सुखद होना जो है, सुखी होना, वो हमारे में बना रहेगा। ये बना रहेगा तो व्यवहार कार्य उसके हिसाब से सहज होने लगेगा। तो दो बात हुई, एक तो हुआ कि जो बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और समझ की जगह तक पहुंच रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, और फिर समझ में जितना हो गया उसको संस्कार की जगह पर ठीक कर रहे हैं, भाव विचार ठीक हो रहा है उससे, और फिर उससे व्यवहार कार्य ठीक हो रहा है। तो ये नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, ये दोनों काम को करना पड़ेगा, तब वास्तव में सहजता होगी। बाहर के लेवल पर सहजता को लाने जाएंगे तो वो कठिन होगा ही, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि उससे जैसे हम बाहर में सहज करने जाते हैं तो अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। तो अंदर काम करें और अंदर में भी जो अंतरतम है वहां तक जाएं,
वहां से चीजें ठीक होने लगेंगी, तो फिर उसको क्रम से नीचे लाएं तो बाहर का व्यवहार भी सहज होने लगेगा, है कि नहीं? जी सर, ठीक, बहुत बहुत थैंक यू सर कि आप आए हैं, थैंक यू। आप लोगों से, इसमें बहुत सारे लोग थे जिनसे हमारा मिलना ही नहीं हो पाया था, मतलब ऑनलाइन भी मिलना नहीं हो पाया था, तो इसलिए तय हुआ कि कुछ 3-4 दिन का समय लगाया जाए ताकि उनसे परिचय हो जाए। जी जी, धन्यवाद दीदी। जी लक्ष्मी जी नमस्ते, बताइए। हाँ सर, प्रणाम 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 जी। तो सब भैया दीदी लोगों को सबको प्रणाम। तो सर, एक तो बहुत सुखद अनुभव में करता हूँ, आपके सानिध्य में सुनने को अवसर मिलता है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये नियम को मैं ये कह सकता, जैसे नियम से न्याय, न्याय धर्म और सत्य जो कह रहे हैं, तो नियम को जैसे, तीनों नियम को जैसे जीवन क्रिया के रूप में अगर देखने जाएंगे तो उसको कैसे ढंग के देखें सर, इसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए। नियम कौन से तीन नियम को आप कह रहे हैं, क्योंकि नियम को कई ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ सर, तो मैं वो सब को छोड़ के मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, जैसे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को, जैसे हम लोग अभी बारम्बार उसी को फोकस किए हैं, उसी को रेफरेंस में आप ध्यान बना हुआ है, उस और उसके अनुसार में नियम को कैसे देखें। वही जी सर, तो तीन चीजें हैं, एक तो संबंध, एक व्यवस्था, एक सहस्तित्व। जी सर, संबंध को देखने का काम चिंतन की जगह पर होता है, कंटेम्पलेशन की जगह पर होता है। व्यवस्था को देखने का काम जो है वो बोध की जगह पर होता है, अंडरस्टैंडिंग की जगह पर होता है। और सहस्तित्व को देखने का काम, वो एग्जिस्टेंस को देखने का काम, वो रियलाइजेशन की जगह पर, अनुभव की जगह पर होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे संबंध, फिर व्यवस्था, फिर सहस्तित्व, ये तीनों को देख पाते हैं। ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो सहस्तित्व को जब हमने देखा तो उसके तहत व्यवस्था है, ये दिखता ही है, उसके तहत संबंध है, ये दिखता ही है। संबंध को एक और ढंग से देख सकते हैं, व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, तो ऐसा दिखता है। और ये तीनों B1 की जगह पर होने वाला काम है, तो B1 की जगह पर ये तीनों काम हो जाए। नीचे से ऊपर जाते समय पहले संबंध का चिंतन, व्यवस्था का बोध और सहस्तित्व का अनुभव, और ऊपर से नीचे आते समय सहस्तित्व में अनुभव के आधार पर व्यवस्था का बोध और व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन या संबंध का चिंतन। ये एक मुख्य काम है जो अपने में होना है। ये जब होता है तो हम सहस्तित्व के साथ हो जाते हैं, व्यवस्था के साथ हो जाते हैं, संबंध के साथ हो जाते हैं, क्योंकि यही है अस्तित्व में हमको दिख गया, इसलिए हम भी इसी के अर्थ में हो गए। जब हम इसी के अर्थ में हो गए तो परस्परता में जीने का, जब भी हम कल्पनाशीलता को फैलाते हैं वो इसी अर्थ में फैलाते हैं, अस्तित्व के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, संबंध के अर्थ में। तो वही हमारा भाव हो जाता है, उसी के अर्थ में विचार चलता है, उसी के अर्थ में आशा होती है, तो हमारी पूरी कल्पनाशीलता उसी के अर्थ में सज जाती है ना। उसी को जब आप दूसरी भाषा में कहेंगे तो हमारी कल्पनाशीलता में हमेशा अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था ये चलती रहती है। ये कल्पनाशीलता में चलती रहती है तो उसी के अर्थ में व्यवहार करते हैं, उसी के अर्थ में कार्य करते हैं, उसी के अर्थ में व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो हमारा व्यवहार भी ठीक होने लगता है, कार्य भी ठीक होने लगता है, व्यवस्था में भागीदारी भी ठीक होने लगती है। ऐसा हो गया तो परस्परता में जो उसका आउटकम आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, वो भी ठीक होने लगता है। तो मुख्य काम तो यह है, देखिए, कि चिंतन में हमको संबंध दिख जाए, बोध की जगह पर व्यवस्था का बोध हो जाए, अनुभव की जगह पर सहस्तित्व का अनुभव हो जाए।
फिर अस्तित्व के अनुभव से जब लौट कर नीचे आएंगे तो व्यवस्था के बोध का काम जितना है वो ठीक से पूरा हो जाए, संबंध के चिंतन का काम जो है पूरा हो जाए, पूरे अस्तित्व के संदर्भ में होने लगे, इतना हो गया तो हम आराम में आ गए। अब हम आराम के साथ अपनी कल्पनाशीलता को फैला रहे हैं वैभव के रूप में, तो वो काम हो जाए कि अपना कल्पनाशीलता फैल जाए, है ना, अखंड समाज के लिए, सार्वभौम व्यवस्था के लिए, स्वराज्य के लिए, ऐसा हो जाएगा तो फिर बाहर हम ठीक से व्यवहार कार्य करेंगे ही, व्यवस्था में भागीदारी करेंगे ही, तो बाहर ये सब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था जैसी चीजें होने का वातावरण बनने लगेगा, अनुकूलता बनने लगेगी, उसके पक्ष में जो होना है वो होने लगेगा। है कि नहीं? जी सर। तो इसमें नियम को जैसे कहेंगे तो यही नियम है, जैसे यही तीन नियम हो गया, संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व, ये नियम है। हाँ जी जी जी। उसी को जब आप फैलाएंगे ना तो ये जो सहअस्तित्व है, पूरे अस्तित्व के स्तर पर देखेंगे तो सहअस्तित्व नियम है, ठीक है ना। एक एक इकाई के स्तर पर देखेंगे तो व्यवस्था होना में होना नियम है, ठीक। इकाई का इकाई से जो संबंध है उसके स्तर पर देखेंगे तो संबंध नियम है। जी सर। ठीक। इस संबंध को ही दो भाग में अगर करेंगे कि जड़ जड़ का जो संबंध है और चैतन्य चैतन्य का जो संबंध है, ठीक है जी सर, तो जड़ जड़ का संबंध उसको वो भी एक नियम है, चैतन्य चैतन्य का संबंध उसको भी एक नियम है, ठीक है ना जी सर। अभी नियम को अलग अलग नाम दिया, पूरे अस्तित्व के जगह पर स्तर पे जो सहअस्तित्व नियम है उसको सत्य कहा। बढ़िया। ठीक। इकाई के होने के जो व्यवस्था है उसके स्तर पर जो नियम है, एक एक इकाई का और पूरी प्रकृति का, उसको धर्म कहा। ठीक। चैतन्य चैतन्य का जो संबंध है उसके स्तर पर जो नियम है उसको न्याय कहा। जी सर। और जड़ जड़ का जो संबंध है उसके स्तर पर जो नियम है ना, उसको नियम कहा। नियम। सत्य, धर्म, न्याय, नियम, जब वहां पे चार ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं तो वहां नियम का मतलब एक बड़ा वाला भी है जिसमें वो सब शामिल है, और एक छोटा वाला है जिसमें जड़ जड़ के संबंध को नियम कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम कह रहे हैं ना, तब उस नियम में सब शामिल है, सत्य, धर्म, न्याय और नियम। इसीलिए मैंने कहा कि नियम को कई परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया गया है। हाँ सर। तो अपने को किस अर्थ में कर रहे हैं वो हम देख लें। तो अभी देखेंगे तो सहअस्तित्व, व्यवस्था, संबंध, ये नियम है जी। ठीक। पूरे अस्तित्व के स्तर पर सहअस्तित्व, एक एक इकाई और प्रकृति के स्तर पर जो है धर्म, ठीक, और इकाई इकाई के संबंध के स्तर पर न्याय और नियम, ठीक है ना जी सर। ऐसा बताएं जी, मूल बात क्या है वो सब समझ लें, मूलभूत वास्तविकता क्या है उसको समझ लें, और उसको एक्सप्रेस करने में फिर बहुत सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं, बहुत ढंग से उसको एक्सप्रेस किया गया है, वो डिटेल को फिर अपन देख सकते हैं जी। जी सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। माने इसी से मैं इसको वो माने प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम और जो सामाजिक नियम है जिसको आपने पूरा समग्र रूप से पूरा जोड़ के बता दी, ये पूरा पूरा हो गया, अब इसमें नहीं बाहर नहीं लगा, क्योंकि न्याय को आपने जड़ और चैतन्य के रूप में भी इधर कर दिए, तो जड़ को नियम के रूप में देख ही पाते हैं, लेकिन न्याय कहते हैं तो जड़ चैतन्य के साथ में न्याय वो भी देख पाते हैं संबंध के अर्थ में। अब इधर जड़ को देखते हैं तो प्राकृतिक नियम भी दिखता है, अब इधर जो है सामाजिक नियम दिखता है, ये जो न्याय संबंध वाला पार्ट में, व्यवस्था वाला में जाते हैं तो ये बौद्धिक नियम, तो ये समग्र रूप से ये पूरा सत्य, धर्म, न्याय जो कह रहे हैं ये मूल आधार है। जी सर जी। ठीक सर जी, प्रणाम सर जी। प्रणाम। धन्यवाद भैया।
सर नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लग रहा है और एक साल से जुड़े हैं और पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, तो उसमें कई बार ये जो रिपेयरिंग कर रही है ना हम लोग सेल्फ में, ये बड़ा हार्ड वर्क लग रहा है। इतना हार्ड वर्क है क्योंकि बाहर की परिस्थितियां भी है, अंदर भी 55 साल के जो प्री कंडीशंस हैं उसको रिपेयर करना, ऐसे लग रहा है इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, थक ऐसे लगता है कि शायद मेरा चैतन्य ही थक जाएगा ये काम करते हुए। तो वो थकावट साल का ही नहीं है, कितने हाँ। शरीर यात्रा का है, सभी और धीरे धीरे खुलेगा। और सर कई बार तो जो ऑब्जर्वेशन में जो हम लोगों को एक्सरसाइज कराई उसमें मेरे को साफ नजर आ रहा मेरी वो कंडीशंस, प्री कंडीशंस, और कई साल पहले की सर, इतने साल पहले की, यानी कि जब मैं 8 साल की रही हूँगी वहां की भी है और उससे पहले की भी है, और जो खुल रही है और खुलने के बाद मेरे को अपना इतना, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं इतना मिसबिहेव करके हम अपनी जिंदगी से करके आए, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितने समझदार हैं, और उस कंडीशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही मूर्ख रहे, मूर्ख, समझ तो थी ही नहीं हमारे पास जी। तो वो जो समझ की समझ आई तो उसके लिए थैंक्स है यूएचबी का, और रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। सही बात है। और इसमें सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ बन रहा थे सत्य को, और एक बड़ी थोड़ा सा अगर मैं समझ लूं तो वो शायद सही लग जी। देखिए अभी जो प्रश्न पूछा था लक्ष्मी जी ने ना जी, वो सर एक मिनट प्लीज सर, वो इतनी सारी रिपेयरिंग करते हैं ना तो जो आगे का आता है ना वो थोड़ा सा कहीं कहीं यू टर्न में हम लगने लग जाते हैं, भाव भी बदल जाते हैं कई बारी तो सर। भाव और क्या सर, भाव एक बारी तो ऐसा भाव बदला कि हम हरमंदर साहब गए और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम ये मत्था भी क्यों टेक रहे हैं, मैं आई भी यहाँ क्यों, इतने प्रश्न इतने क्वेश्चन, फिर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा, नहीं भैया अभी कंट्रोल हो जाओ, और फिर वहां जब मैं अपने आप को कंट्रोल करने लगती हूँ वहां पर भी बड़ी हारमोनी और अच्छा लगता है कि हाँ, खुशी होती है कि हाँ मेरा वो काम थोड़ा सा चल रहा है, और जैसे कुमार सर बोलते हैं अभी तो बहुत काम बाकी है, तो वो आगे वाले काम को देखते हुए घबराहट होने लग जाती है और कितना काम करना है, अभी तो पिछला ही नहीं संभला। बिल्कुल देखिए ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि जिसने पहली बार माथा टेका हाँ जी, उसने तो समझ के टेका था माथा हाँ जी, धीरे धीरे हम लोग देखा देखी टेकने लगते हैं बिना समझे जी जी। अब ये सब जब सवाल उठेंगे तो फिर हम समझ के टेकेंगे माथा को हाँ, तो उसका जी, मतलब ही कुछ और होगा। राइट सर, सर ऐसे लग रहा है वो कंडीशन अब आएगी जी 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 जी, माथा तो टेकना ही पड़ेगा क्योंकि हाँ, अस्तित्व का होना जो है वो हमसे बहुत बड़ी चीज है सर। अस्तित्व का होने का जो नियम है जिसको अभी सत्य कह रहे हैं आप जी जी, सब सत्य जब समझ में आ जाता है तो ये पता लगता है कि मेरा होना भी उसी नियम के तहत है, तब हम उस बड़े नियम को माथा टेकने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जो नमन शब्द है ना उसका मतलब यही है जी। तो भारत के जितने भी धर्म हैं, जितने भी दर्शन हैं, है ना जी, वो नमन से शुरू होते हैं। नमन किस चीज को, ये जो बड़ी व्यवस्था है पूरे अस्तित्व में जिसके तहत हमारा होना है, हमको उसको समझना है, उसके तहत हमको होना है, इस बात का नमन है। इस बात के लिए माथा टेक रहे हैं हम लोग जी। ये जो माथा खड़ा रखने का मतलब वो अहंकार जिसको कहा ना, कि जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, अभी ये समझ में आ गया कि ऐसा नहीं कि जो मन में आएगा वो करेंगे और सुखी रहेंगे, जो होने का नियम है उसको समझकर ही हम सुखी होंगे, इसलिए उसके प्रति हमारा नमन है।
सर उस टाइम मेरी ये कंडीशन रही होगी, मेरे में अहंकार आ गया होगा। वही बिल्कुल सही, बिल्कुल वही। सर और अभी होता क्या है कि हमारा अहंकार बना रहता है और हम नमन करते रहते हैं, तो फिर उस नमन का मतलब ही नहीं निकलता। तभी वो प्रश्न उठा जी, अभी तो देखा देखी कर रहे हैं तो प्रश्न भी नहीं उठता है, अब कम से कम प्रश्न उठा अच्छी बात है जी, अब उसका उत्तर भी मिल जाए तो फिर तो बढ़िया आराम में आ जाएंगे। और क्या सर, बिल्कुल बहुत आराम में, ऐसा लग रहा है बहुत रिलैक्स मिला इस बात से सर, बहुत ज्यादा जी सर, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर कि हम लोग इतनी प्री कंडीशंस है किस किस चीज पे काम करें जी। जी तो आपने जो सत्य के बारे पूछा ना जी सर, सत्य का मतलब यह है कि ये जो अस्तित्व के होने का जो नियम है, जो ढंग है, वही सत्य है। जी सर, ठीक है ना जी सर। और जब गुरु नानक जी ने सत और श्री और अकाल तीन शब्द प्रयोग किए हैं ना, जो हम लोग अभी अभिवादन में प्रयोग करते हैं, है ना जी सर। तो पहला सत्य जो है उसका मतलब यही है कि अस्तित्व होने के होने का जो मूलभूत है ना बनावट है, मूलभूत वास्तविकता है, उसी को सत कहा। और वो मूलभूत वास्तविकता हर देश काल में एक जैसी बनी रहती है, उसको सत कहा। जो सत है उसी को सत्य कहा। तो अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसमें यह है कि एक तो स्पेस है, दूसरा यूनिट्स है, है ना। और ये यूनिट्स जो है वो स्पेस में सबमर्ज्ड है, तो कोएग्जिस्टेंस है, सहअस्तित्व है। ये सहअस्तित्व जो है मूलभूत वास्तविकता है, इसलिए उसको सत कहा। फिर हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि ये जो कोएग्जिस्टेंस है ना ऑफ यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, है ना, उसी के एक्सप्रेशन के रूप में ये सारा नेचर है। तो ये जो पूरा नेचर का जो वैभव दिखता है वो इस कोएग्जिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो वैभव है, उसी को श्री कहा है। श्री का मतलब यही होता है, ये जो फैलाव है, ये जो वैभव है, है ना। तो ये जो सत्य है, जो सत है, उसी का वैभव है। जो सत नहीं है उसका वैभव कैसे हो सकता है। और ये जो सत है, जो सत्य है, वो टाइम के साथ बदलता नहीं, अकाल है, ठीक है ना। तो ये एक ढंग है एक्सप्रेस करने का कि जो अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकता है उसके लिए ये तीन शब्द प्रयोग किए गुरु नानक जी ने, सत, श्री और अकाल। हाँ जी, उसको स्वयंभू कहा। ये अपने आप में है, उसी के तहत फिर बाकी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा एक्सप्रेशन उन्होंने प्रयोग किया, वो इसी के बारे है। ये अस्तित्व का होने का जो मूलभूत वास्तविकता है वो, और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो जी। तो सर जैसे श्लोक में उन्होंने बहुत ही सुंदर बोला है कि पवन गुरु पानी पिता माता तर्त मह दिवस रात दो देव दाइया खेले सगल जगत चंग्याइया बुरियाइया वाजे तरम अधूरे कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कि वो सारी इसी जो छोटे से श्लोक में है ना, वो सब कुछ आप जो बोल रहे हैं ना, वो सारा ऐसे लग रहा है कि वाकई में सच आपसे ही सीखा है। वो तो हम पहले रटा रटाया बोल रहे थे कि प्री कंडीशंस थी, वो हमारे ग्रैंडपा बोलते थे, ग्रैंड माँ बोलती थी, तो हम भी उनसे सुन सुन के वो सीख गए, जनरेशन टू जनरेशन ये शिफ्ट हुआ। पर सर आज पता चल रहा है कि उसको हमने समझा कैसे है। देखिए, समझा तो आपने अपने आप में ही, हम लोगों ने तो ध्यानाकर्षण करा दिया है ना सर। ये भी तो बहुत बड़ी बात है सर। सही बात है, वो तो ठीक बात है।
लेकिन देखिए क्या है, इस बारे में परंपरा में भी बड़ी अच्छी चीज है, देखेंगे अगर आप, वो कहते हैं कि भैया आपको कम से कम सीख ही लो, जब समझोगे तब समझोगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर सीखोगे नहीं तो समझोगे क्या, उसमें आगे काम भी होना मुश्किल होगा। तो ये सब परंपरा से आपने सीख लिया, अब समझने का काम कर लीजिए, है कि नहीं? वाकई में सर जी, और पहले भी अपेक्षा यही है कि सीखें और समझें दोनों। तो जब छोटा बच्चा होता है तो सीखने का काम कर लेता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो समझने का प्रयास करता है, और बड़ा होता है तो समझ लेता है कि नहीं? सर अभी तो हम बचपन वाला हिस्सा सीख रहे हैं, बिल्कुल है अभी तो, और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हो गए। ओ माय गॉड, इतना बड़ा अहंकार वाकई में। सही बात, सही कह रहे हैं सर, सही बात, बढ़िया, बहुत अच्छा। आप MIT में हैं, मेरठ में? जी सर जी, बात बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सर। मेरठ में बहुत सारा, MIT में बहुत सारे काम होने की संभावना है, बहुत समय से उसमें काम चल भी रहा है। जी जी सर, तो अब आपके उत्साह से और काम आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद सर। सर मैं किसी के काम आ पाऊं इस शरीर यात्रा में तो शायद अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जा सकती हूं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी है वो, उसमें आप लोगों का जो सहयोग रहेगा सच में, शायद मैं ऐसे लगता है कि मैं जब जाऊंगी दुनिया से तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि मैं कुछ नहीं करके जा रही, और आज लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा रास्ता बना है कि हम कुछ कर जाएंगे। जाएंगे कहाँ, आप रहना तो अस्तित्व में ही है। हाँ सर, ये भी शरीर ही तो मरेगा और क्या। जी सच है सर, आपको तो बने रहना है, तो बहुत काम है आगे सर। सही है, सही बात है सर। आज ऐसे लग रहा है कि मेरे को कोई गार्जियन मिला है। नहीं, हम सब लोग एक दूसरे के गार्जियन हैं। राइट सर जी, बढ़िया। तो समय तो हो गया है जी सर, अगर कोई प्रश्न लेना हो बताइए। यशवंत जी तो एक ले सकते हैं, हम लोग यहाँ रोक सकते हैं जी। हेलो जी जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, मैं आपके वहाँ कानपुर में एक सार सत्र में आने वाली थी लेकिन कोई कारण से नहीं आ पाई, पर लेकिन आज आपकी ये जो दो, मतलब मैं सुन रही हूँ अभी तो, मुझे रोज ही 3 दिन से आपको सुन रही हूँ तो मुझे मन में बड़ी इच्छा हो गई कि अब मेरे को जाना ही पड़ेगा सुनने के लिए। बहुत क्लैरिटी के साथ में, जैसे आपने अभी नमन और सत श्री अकाल को ही समझा दिया, तो हम तो मतलब हमारी समझ वाकई, जो अभी वो दीदी कह रही थी, तो हम पहली क्लास के बच्चे ही हैं और अभी तक सुन ही रहे हैं उसको, मतलब उसमें प्रैक्टिस में तो अभी नहीं लेके आ पाए। और मेरा प्रश्न ये था कि जैसे घर में मैं रहती हूँ तो पारिवारिक संबंध जो है वो शरीर के लेवल पे, नीड के लेवल पे तो मुझे दिखते हैं, पर मैं जो मिस करती हूँ वो इमोशनल कनेक्ट, वो हमेशा मिस करती हूँ। तो वो क्या मेरी गलती है या फिर आई का आई से जो सेल्फ का सेल्फ से कनेक्शन है, मेरा सेल्फ और सामने वाले का सेल्फ, उसको मैं नहीं देख पाती हूँ, मेरा नहीं देख पाती तो उसका नहीं देख पाती, इसलिए वो कनेक्शन मिसिंग है। और वही सबसे ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है परिवार में। पता नहीं मैंने, मेरी मेरे को मेरी ये मान्यता अभी बनने लगी है कि फिजिकल नीड और मटेरियलिस्टिक नीड और पैसे की नीड और ये तो मुझे सब पूरी हो रही है और दिख रही है, लेकिन वो इमोशनल कनेक्ट परिवार में कहाँ मिसिंग है, तो वो मेरा प्रश्न था। ठीक बात है, देखिए वो जो हम लोग बात किए ना, समझ संबंध सुविधा, हाँ। तो अभी तो ज्यादातर ध्यान सुविधा पे रहा है, शरीर पर रहा है, संवेदना पे रहा है ना, अभी भी वही है थोड़ा, मतलब वहां से निकल नहीं पा रहे। अब धीरे धीरे संबंध पर ध्यान जाता है, फिर समझ पर ध्यान जाता है ना, उन जगह काम शुरू होगा। तो अच्छी बात है कि हमारा ध्यान चला गया संबंध पर, तो हम शुरुआत करें। अगर हमारा ध्यान गया है संबंध पर तो हम संबंध के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, संबंध में जो भाव है उसको हम अपने में सुनिश्चित करना शुरू करें। अभी दूसरे से तो अपेक्षा करना ठीक नहीं है क्योंकि उसको तो पता भी नहीं है। हमको कम से कम पता लग गया, हमारा ध्यान चला गया। तो अब परिवार में हम अपने में संबंध का भाव सुनिश्चित
करने का काम अगर शुरू कर देंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा। उस संबंध के भाव के तहत जब हम अपनी कल्पनाशीलता को फैलाएंगे तो हमारा व्यवहार भी ठीक होगा, उस व्यवहार से दूसरे को भी आराम मिलेगा, है ना। उसको भी धीरे धीरे ध्यान जाएगा कि व्यवहार सही होना जरूरी है और उसके पीछे जो भाव है वो सही होना जरूरी है, तो उसका भी ध्यान जाने लगेगा भाव पर, संबंध पर, ठीक है। नहीं सही, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है तो अपने से करना है क्योंकि हमारा ध्यान चला गया, ठीक है। नहीं हाँ, बस वो भाव ही पकड़ में नहीं आते हैं कि सोचते जरूरी मिसिंग है लेकिन वो कैसे करेक्ट होगा, वो चीजें पकड़ में नहीं आ पा रही है अपने ही पास से, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी हम नहीं कर पा रहे, वो बस मिसिंग करते हैं बार बार यही आता है, ये इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है, हम रहते तो साथ में पर इमोशनल नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है कहीं मेरी तरफ से ही चीजें अभी हो नहीं रही ठीक। देखिए दो चीजें उसमें महत्वपूर्ण है, एक तो भाव महत्वपूर्ण है ये दिख जाए, सही भाव महत्वपूर्ण है ये दिख जाए, और सही भाव क्या है ये दिख जाए तो फिर अपने आप सही भाव बनने लगेगा, उसके लिए फिर कुछ करना नहीं है, ठीक है। कि भाव महत्वपूर्ण है ये दिखे एक तो, और सही भाव क्या है वो दिखे, दोनों दिख गया तो सही भाव बनने लगेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। मैं कोशिश करती हूँ, अब इसी पे मेरा थोड़ा ध्यान है कि ये कैसे होना चाहिए, मतलब होगा या मैं कैसे करूँ। ठीक बात, ठीक, थैंक यू भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। चार साल से जी भैया जी, मैं पिछले चार साल से जीवन विद्या परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक्चुअली रायपुर में मेरा मैके से मेरा जुड़ना हुआ। मैंने बहुत बार आपका नाम सुना है पर कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई और आपसे मतलब मैं नहीं मिल पाई अभी, बाकी परिवार के काफी सदस्य से मिली हूँ, तो बहुत इच्छा है आपसे मिलने की और आपका सेशन करने की। सही बात, तो बस इस बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं आपसे कब कहाँ और किस सेशन में कहाँ मैं ज्वाइन कर सकती हूँ और कहाँ मैं आपसे मिल भी सकती हूँ और आपके सेशन कर सकती हूँ, कुछ कैंप वगैरह हो तो प्लीज मुझे। एक परिचय शिविर अभी होगा कानपुर में 17 से 24 सितंबर, तो आप अगर उसमें आना चाहें तो आ सकते हैं। जी जी, आपसे कानपुर में ही मिलना हो सकता है, आप वहीं पे होते हैं हमेशा, वहीं शिविर होते हैं आपके। अभी तो मैं पुणे में हूँ ऐसे, अच्छा, औरंगाबाद के बहुत नजदीक हूँ, लेकिन ज्यादातर समय तो कानपुर ही रहता हूँ। अच्छा, बट आप आप कुमार भैया से अगर उनका नंबर आपके पास है तो उससे हमारा डिटेल ले सकते हैं। जी बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल मैं है मेरे पास भैया जी का नंबर, मैं उनसे कॉन्टेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, तीन दिन का सेशन सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कनेक्शन बैठ रहे हैं जी। क्वेश्चन तो है पर अभी समय की जैसे मैं अभी सोच रही हूँ ना पूछ पाऊँ, बस कल हो सका तो मैं जरूर पूछूंगी। ठीक, कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत कृतज्ञता जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते सभी को जी, धन्यवाद। कुछ हैंड रेज है लेकिन समय तो हो चला है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। सभी साथियों का धन्यवाद और गणेश सर का भी हम सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन दिन में बहुत सुंदर, धन्यवाद। नमस्ते।